हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड में जो वैकेंसीज आती हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। करंटली जो चल रही हैं और अपकमिंग जो आने वाली हैं उसको भी हम देखेंगे, उस पर बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं करंटली जो चल रही हैं कौन कौन सी वैकेंसीज चल रही हैं। सबसे पहले SSC स्टेनोग्राफर 2018, इसका स्किल टेस्ट होने वाला है। UP SSC स्टेनोग्राफर का भी पेपर हो गया है, इसका भी टेस्ट होने वाला है। ESIC का स्टेनोग्राफर का भी पेपर कुछ UDC वाले हो गए हैं, स्टेनोग्राफर के भी होने वाले हैं या फिर हो चुके हैं। और RRB स्टेनोग्राफर का पेपर होने वाला है अगले महीने, या फिर अगले महीने नहीं होगा तो फिर उससे नेक्स्ट मंथ होगा। कुछ अदर डिपार्टमेंट जैसे कि नाइलाइट, इस टाइप के जो भी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें छोटी मोटी वैकेंसी चल रही हैं। एक राजस्थान में जो चल रही थी वैकेंसी, उसके बारे में कोई अभी प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है। लग रहा है वो वैकेंसी कैंसिल ही हो गई, जिसमें 1000 पद थे, शायद वो दोबारा आए। तो करंटली जो वैकेंसी चल रही हैं यूज़ लेवल पर, वो यही चल रही हैं इस टाइम। अब अपकमिंग कौन कौन सी आ सकती हैं इस साल? इस साल SSC स्टेनोग्राफर 2019 तो कन्फर्म आएगा। दूसरा CRPF, CISF में बहुत टाइम हो गया, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई स्टेनो की, वो भी आने वाली हैं। हाल फिलहाल में अभी नहीं आई है, लेकिन आने वाली हैं पक्का, इस साल आएंगी। और UP SSC में भी कुछ समूगा वाली जो कहलाती हैं वो भी वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आप तैयार रहें। ये बड़ी लेवल पर वैकेंसीज होती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट डाउन कर रखा है। CRPF CISF को छोड़कर और भी पैरामिलिट्री वाली जो कोर्सेज में हैं उनमें भी वैकेंसी होती हैं, तो उसको मैं आपको अपडेट कर दूँगा। लेकिन फ़िलहाल आप इन चारों वैकेंसीज़ के हिसाब से तैयारी करते रहें। अगर आपके पास पुराने इसके पेपर नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट करके मांग सकते हैं, या फिर वीडियो फर्दर बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं स्पेशली इन पर पुराने नोटिफिकेशन के आधार पर आप लोगों को बता दूंगा मैं किस टाइप का पेपर आता है और क्या क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो यही दो चीज़ बतानी थी मुझे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो थैंक यू।